तो आज हम आए पानीपत की मार्केट में और इस साल से लेके पानीपत का जो रूट है और जो अपना ट्रैवल है वो तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ और आपको दिखा भी चुका हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कपड़ों के लिए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो भैया जो फ्रंट है वो अपना ये है, देखो ये अपना फ्रंट है, गाड़ियाँ आ रही है। चलो तो भाई अपने विकास भाई इस तरफ है। विकास भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। और अपने रवि जी इस तरफ है। रवि जी कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई चल रहे हैं फिर पाना मार्केट में, पानीपत का मार्केट। चलो। और भाई ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है पानीपत का, यहाँ से ये पूरा आगे तक है। ये पानीपत के नज़ारे लोग आए। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है ये, और इसको फ्लाईओवर होने कोशिश होने नहीं दिया भाई इसको, क्योंकि इस 12 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज अपना, और इसके बीच में तो बैंड प्रोवाइड कर दिए थे, तो इस चक्कर में फिर यार इसका जो नाम है वो आया नहीं एशिया के सबसे बड़े फ्लाईओवर के अंदर। बस ये एक प्रॉब्लम है। वैसे ब्रिज जो अपना फ्लाईओवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई, ये मेन गली आगे है। मेन गली आ गई सामने अपने, दिखाता हूँ देखो ये रहा। ये भाई जो मेन गली है, और जब मैं पानीपत रहता था तो मैं यहाँ से साइकिल लेके गया था भाई, बालीराम एंड सन्स यहाँ से, ना शायद यहाँ से मदन साइकिल से लेके गया था भाई, यहाँ से मैं साइकिल लेके गया था अपनी, जब मैं होगा कम से कम 11-12 साल का आऊँगा मैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी मार्केट है भाव जी, आप यहाँ से ले सकते हो कपड़े, यही मेन मार्केट है। देख लो महाराज, लाना आपको ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, नाम लिया नाम भी पूरा लिया तो बता दिया। तो भाई दो भाइयों के नाम से जो अपने दुकान है जो कपड़ों की वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अब वहीं जा रहे हैं हम दोनों, देखते हैं कहाँ है। अभी आगे बताया, पूछा किसी से, उन्होंने कहा कि आगे है। दो भाइयों की अपने जो दुकान है वो यही है भाई, तो चलते हैं फिर आगे। जो फेमस है उस टाइम भी फेमस थी और आज भी फेमस है ये शॉप भाई, आज भी फेमस है। ये 100 रुपये की थी, अब भी कुछ नहीं बदला था, अब भी कुछ नहीं बदला है, जैसी सड़कें थी, भीड़ी भीड़ी गलियां बिल्कुल अब भी वैसे ही है। पसंद आ गई? वो कह रहे उस प्राइस बता रहे हैं वो 300 में लग जाएगी। बरसाना गारमेंट्स कब से है भैया ये शॉप आपकी? 5 साल हो गए भाई। 5 साल हो गए, अरे वाह भैया, हम तो बहुत पुराने से भैया, वो काफ़ी टाइम तब हम रहते थे ना यहाँ, तब भी यहाँ गलियाँ ऐसी थी बीड़ी, अब भी ऐसी है, आपको खुली खुली होगी। तो भाई भैया से अभी बात करी थी मैंने, तो भैया बोले हाँ भाई तब भी कुछ नहीं बदला था, अब भी कुछ नहीं बदला, बड़ी पतली पतली गली है यहाँ पे, बड़ी मस्त मार्केट है यार कपड़ों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कपड़ों के लिए तो, और लुधियाना जैसे फेमस है कपड़ों के लिए, वैसे ये पानीपत की मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है कपड़ों के लिए।
कहाँ चले? कहाँ गए? अच्छा अंदर गए क्या? गिर रहे, अभी देख रहे हैं भाई यहाँ कपड़े। अभी कृष्णा कलेक्शन पे रुके हैं भाई, कृष्णा कलेक्शन यहाँ चेक कर रहे हैं कपड़े। अच्छा डिस्काउंट दे, ये कितने का है? 200 रुपये। सस्ता करो भैया थोड़ा, पानीपत तो वैसे ही मशहूर है यार। हाल बढ़िया मिलेगा एकदम ओके। बढ़िया फिर तो काट के ले रहे प्राइस फिक्स। चलो भाई चलो, चलते हैं आगे, चलते हैं अब अपनी शर्ट शर्ट देखते हैं। अरे इस गली में नाम लिया था ना महात्मा जी? अरे महात्मा जी हम तो ले ले वहाँ ना यार। ये नहीं यार, ये तो है, ये तो पहन ही रहा हूँ मैं। याद बढ़िया है, ये वाली चीज़ तो मैं पहन ही रहा हूँ। हाँ तो एक ट्रैक सूट सा देखा था पीछे, ट्रैक सूट सा तो पसंद तो आया नहीं। मैं ये पहन तो रखा है, मेरे पास दो ट्रैक सूट ऑलरेडी है। कोई शर्ट शर्ट या फिर कोई शर्ट शर्ट जैसे कि कोई जैकेट वगैरह है वो देखते हैं। जैकेट है भैया? जैकेट ठीक है। किसी लगी तरह मार्केट बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है भाई साहब, बहुत अच्छी है। आगे देखो आप, आगे तो और है, लंबी है। जूते ले, जूते पिए दो, जूते रास्ते भी घने हैं भैया। जैकेट है? नहीं है भाई। इस पे देख ले विकास, चलो इस पे देख लेते हैं भाई। तो भैया अभी शॉप पे गए थे तो शॉप पे कुछ ज़्यादा खास पसंद आया नहीं, मतलब काफ़ी सारी अच्छी वैरायटीज थी। हाँ हाँ भैया, ना फूड व्लॉगर नहीं, ट्रैवल व्लॉगर, लेकिन वैसे भी खाना दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कहीं पे। जीन डोसा है, अच्छा मसाला डोसा है, रेडी बहुत अच्छी क्वालिटी भी अच्छी। अच्छा अच्छा अच्छा, 50 रुपये मसाला डोसा, 70 रुपये बटर डोसा, जानो वाला चीज़ बटर 80 रुपये। अच्छा नाम क्या भैया आपका? अजय शर्मा। जापानी पर की मार्केट में आप ये शॉप लगाते हो अपनी, ये रेडी थोड़ी सी रेडी है मुंबई सिगड़ी डोसा। तो ये भैया की रेडी, और भैया काफ़ी अच्छा डोसा बनाते हैं, आप आओ और खा के देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। तो भैया आप चल रहे हैं आहूजा वाले के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो फास्ट फूड वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छा बनाता है और फेमस भी है ज़्यादा। तो भैया ये गेट है सलारंग गेट, मुगलों के टाइम का, बड़ा मस्त बना रखा है भाई और आज भी खड़ा है भाई। तो भाई सलारंग गेट मैंने आपको दिखाया है, ये मेरे पीछे देखो, यही है, इसके नीचे से निकल के आया हूँ मैं। और तब जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे भाई इतने सॉलिड है कि आज भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ओ सॉरी, और आज भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा भाई। और चल रहे हैं आहूजा वाले के कुछ खाने के लिए। तो भाई बहुत ढूंढने के बाद मिल गया अपने को आहूजा वाला, सामने बिल्कुल दिखाऊँ। तो भाई अंदर बैठेंगे और अंदर बैठ के ऑर्डर देंगे। तो भाई एक पनीर टिक्का हमने ऑर्डर करा है और एक नूडल्स हमने ऑर्डर करे हैं आहूजा वाले का, नाम तो भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसका। अब खाना भी देख लेते हैं कैसा है। तो भाई अपना नूडल्स आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा, विकास भाई खा के बताइए कैसे हैं, ठीक है? बढ़िया है, स्वाद है यार, कैसे हैं? सबको पसंद आ गया भाई। अरे पप्पर जी कैसे हैं? सो भाई नूडल्स खा के मैंने आपको बता दिए कैसे हैं, अब आएंगे अपने पनीर टिक्का और वो खा के फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हैं। आ गए भाई, थैंक यू भैया। भाई आ गई हरी चटनी, वाह। अब तुम्हारा भाई ये खा के बताएगा कैसे बने हैं, दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं भाई, आगे बताता हूँ कैसे है। सो ये डाल दी भैया ने अपने हरी चटनी, बस 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 बस, आगे बताता हूँ कि कैसे है। बढ़िया, भाई नूडल्स और पनीर टिक्का
दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कैसा लगा अभी खा के? बहुत बढ़िया। कैसा लगा खा के? फर्स्ट क्लास एकदम ओके। क्या बात है भाई, सच में भी बहुत स्वाद है। और बिल आ गया अपना, देखो तो देखते हैं फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। आपका दोनों नूडल्स ऑपोजिट का बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। थैंक यू सर। आपके हक्का नूडल्स और अपना क्या नाम पनीर टिक्का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। थैंक यू भैया, फिर आएंगे दोबारा भाई। आहूजा वाले शाय फील करके कैमरे के आगे मैं आहूजा वाले शाय फील करके कैमरे के आगे बोला बन गया उनसे। अच्छा। मैं एक बार फिर से बता दूँ अपना भाई, जो कपड़ों के लिए कपड़े तो शायद इतने अच्छे हैं, इतने मतलब अच्छी वैरायटी के भी है ऐसा नहीं है, लेकिन जो ब्लैंकेट है अपने, जो बेड की शीट्स हैं और अपना रिजाई है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है। पानीपत की मार्केट, आई लव पानीपत की मार्केट भाई। सारे देखन लग रहे हैं अपने थी तो राय पे खड़े हैं हाँ यहीं से। चलो फिर फास्ट फूड की शॉप्स इस तरफ भी। स्वाद आने लग रहे हैं विकास, स्वाद आने लग रहे हैं खा के। क्या लग रहे? अरे स्वाद भाई स्वाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि पानीपत के आसपास और कौन सी चीज़ है जहाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। टिल देन पीस।